अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। ये तावीज़ लिखकर अपने पास रख लो, 15 मिनट में प्यार का फ़ोन आ जाएगा, प्यार मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। अगर आप ये तावीज़ अपने पास लिखकर रख लेते हैं तो महबूब 15 मिनट में बेचैन हो जाएगा, उसी वक्त फ़ोन करेगा। जब बेचैन होगा, उसके दिल में बेचैनी बढ़ेगी, उसी वक्त महबूब आपको फ़ोन करेगा, आपको कॉल करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, नहायत ही पावरफुल तावीज़ है। ये काफ़ी कदीम तावीज़ है, काफ़ी कदीम किताबों से ये नकल किया गया है जो आज हम आपको पेश कर रहे हैं। ये काफ़ी पोशीदा हालत में मौजूद है, लेकिन उसका एक नक्श है जो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत को दीवाना करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार में उलझाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपने महबूब को अपना बनाना चाहते हैं, आपने बहुत सारे अमलियात, बहुत सारे तावीज़ात, बहुत सारे वज़ायफ कर लिए, मगर आपको कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा, तो आप परेशान ना होइए। इंशाअल्लाह ताला इस तावीज़ के ज़रिए से आप अपने महबूब के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस तावीज़ को करना कैसे है, इसके शरायत क्या है। अगर आप इस तावीज़ को करना चाहते हैं तो किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि हम अक्सर वीडियोस में बताते रहते हैं कि अमलियात मोहब्बत जो होते हैं वो ज़्यादातर कागज़ के ऊपर ही लिखे जाते हैं, कागज़ के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो ये तावीज़ भी किसी सादे कागज़ पर आप बना लें, सादा कागज़ कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर कोई लकीर ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो, पहले से इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसा सादा कागज़ आपको तलाश कर लेना है। जब ऐसा सादा कागज़ मिल जाए तब आपको ये तावीज़ बना लेना है। बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का पेन ले लेना है और सादा कागज़। दिन कोई भी हो सकता है, तारीख कोई भी हो सकती है, इसमें दिन तारीख का मसला नहीं है, साथ कोई भी हो सकती है, कभी भी बना सकते हैं। जब आपको मुनासिब वक्त लगे, जब आपके पास वक्त हो, आप दिन में रात में कभी भी इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में आपको सबसे पहले लिखना है स्वाद और है। ये स्वाद बना हुआ है, बना हुआ, और फिर दूसरा स्वाद और है, उसके बाद यहाँ पे स्वाद है, फिर ये स्वाद और है, उसके बाद लिखना है एक एक एक, फिर लिखना नौ नौ नौ। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महबूब का नाम। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको अपने महबूब का नाम लिखना है, सिर्फ महबूब का नाम लिखना है जिससे आप मोहब्बत करते, जिससे आप पाना चाहते हैं, जिससे आप हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ उसका नाम यहाँ पे लिखना है। माँ का भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस तावीज़ को फोल्ड करना है। फोल्ड करके आप इसे अपने पास रख लें, चाहे पर्स में रखें, जेब में रखें, जहाँ भी रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं पर्स में रख सकते हैं, आप अगर घर में लेटे हुए तो जेब में रख लें। अपने पास इसको रखना है, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। सोते वक्त सर के नीचे भी रख लें, तकिए के नीचे रख लें, तब भी कोई मसला नहीं है। आप इसे रख लें, इसे रखना है आपको 24 घंटे तो आपको रखना है, ताकि इसका असर पूरी ज़िंदगी के लिए रहे। लेकिन इसका असर आप जैसे ही बना के अपने पास रखेंगे, इसका असर शुरू हो जाएगा, 15 मिनट में प्यार बेचैन होगा, उसी वक्त फ़ोन करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है, लेकिन याद रहे, बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग बड़े बड़े अमलों के अमल कर लेते हैं मगर फिर भी कोई काम नहीं होता। कुरानी आयत से अमल करते हैं फिर भी काम नहीं होता है। तो अगर किसी को ये लगे कि तावीज़ फेक है, तो भाई कुरान की आयत भी पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर रजात है, अगर आपके ऊपर पहले से कोई बंदिश या जादू है, तो आप कुछ भी कर लें, किसी का भी अमल कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर 90% लोगों का काम हो जाता है, 10% लोगों का नहीं होता, तो मायूस ना हो, कोई दूसरा अमल उन्हें तलाश कर लेना चाहिए। और वैसे अगर फ़ायदा ना हो तो उन्हें एक मरतबा चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदिश हो, कोई रजात हो। अगर बंदिश या रजात आप दोनों के ऊपर, किसी में से एक के ऊपर भी हुई, तो फिर कोई भी अमल काम नहीं करता है। फिर आपको लगता है कि अमलियात फेक होते हैं, तावीज़ात झूठे होते हैं। ऐसा नहीं है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको पेश करते हैं। या आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। 15 मिनट बाद आपको पूरा असर दिखेगा, और उसके बाद में 24 घंटे बाद ये तावीज़ निकाल कर या बहते हुए पानी में डाल दें, या ठहरे हुए पानी में डाल दें, या ज़मीन में दबा दें। इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी के लिए आपका महबूब, आपका दीवाना रहेगा। कोई और मसला हो आप हमें बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।